नमस्कार दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं प्राचीन भारत के हैरान कर देने वाले तीसरे रहस्य की ओर। दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु सरस्वती। प्राचीन दुनिया में कुछ नदियां प्रमुख नदियां थीं, जिनमें एक ओर सिंधु सरस्वती और गंगा नर्मदा थी तो दूसरी ओर दजला, फरात और नील नदियां थीं। दुनिया की प्रारंभिक मानव आबादी इन नदियों के आसपास ही बसी थी, जिसमें सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे बसी सभ्यताएं सबसे समृद्ध, सभ्य और बुद्धिमान थी। इसके कई प्रमाण मौजूद हैं। दुनिया का पहला धार्मिक ग्रंथ सरस्वती नदी के किनारे बैठकर ही लिखा गया था। एक ओर जहां दजला और फरात नदी के किनारे मेसोपोटामिया, सुमेरियन, असीरिया और बेबीलोन सभ्यता का विकास हुआ, तो दूसरी ओर मिस्र की सभ्यता का विकास 3400 ईस्वी पूर्व नील नदी के किनारे हुआ। इसी तरह भारत में एक ओर सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे सिंधु, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आदि सभ्यताओं का विकास हुआ, तो दूसरी ओर गंगा और नर्मदा के किनारे प्राचीन भारत का समाज निर्मित हुआ। प्राप्त शोधानुसार सिंधु और सरस्वती नदी के बीच जो सभ्यता बसी थी वह दुनिया की सबसे प्राचीन और समृद्ध सभ्यता थी। यह वर्तमान में अफगानिस्तान से लेकर भारत तक फैली थी। प्राचीन काल में जितनी विशाल नदी सिंधु थी उससे कई ज्यादा विशाल नदी सरस्वती थी। शोधानुसार यह सभ्यता लगभग 9000 ईस्वी पूर्व अस्तित्व में आई थी और 3000 ईस्वी पूर्व उसने स्वर्ण युग देखा था और लगभग 1800 ईस्वी पूर्व आते आते यह लुप्त हो गया। कहा जाता है कि 1800 ईस्वी पूर्व के आसपास किसी भयानक प्राकृतिक आपदा के कारण एक ओर जहां सरस्वती नदी लुप्त हो गई, वहीं दूसरी ओर इस क्षेत्र में बसे लोगों ने पश्चिम की ओर पलायन कर दिया। पुरातत्ववेता मेसोपोटामिया को सबसे प्राचीन बताते हैं, लेकिन अभी सरस्वती सभ्यता पर शोध किए जाने की आवश्यकता है। ऐसी ही अन्य रोचक वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंतज़ार करें हमारे अध्याय 4 का, जिसमें आप भारतीय इतिहास के एक और पन्ने को उजागर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।